बीजेपी सांसद ने टॉयलेट किया साफ, हाथों से किया टॉयलेट साफ, सांसद का वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के गुना जिले से कुछ दिन पहले एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें स्कूल की छात्राएं टॉयलेट साफ करती नजर आई थी। वीडियो वायरल होने के बाद काफी बवाल हुआ था। सोशल मीडिया पर इसको लेकर लगातार रिएक्शन आ रहे थे। लोगों ने इसे शर्मनाक बता दिया था। लेकिन अब एक और वीडियो मध्य प्रदेश से ही वायरल हुआ है, वो भी टॉयलेट साफ करने से ही जुड़ा। लेकिन इस बार ये तो कहा जा सकता है कि इसमें शर्मनाक कुछ भी नहीं है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के सांसद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर सुर्खियों में हैं, इस बार स्कूल के गंदे टॉयलेट की हाथों से सफाई करने की वजह से। अक्सर अपने अलग अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले रीवा के भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा अपने स्वच्छता अभियान को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं। रीवा सांसद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो एक स्कूल के गंदे टॉयलेट को हाथों से साफ करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस तरीके से सफाई करने का वीडियो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। रीवा के भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो मग से पानी डाल डालकर टॉयलेट को अपने हाथों से रगड़कर साफ करते नजर आ रहे हैं। बता दें ये वीडियो रीवा जिले के खटखरी का है, जहां रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत युवा मोर्चा के द्वारा बालिका विद्यालय खटखरी में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वृक्षारोपण कार्यक्रम के बाद जब उन्हें इस बात का पता चला कि विद्यालय का टॉयलेट काफी गंदा है जिसके चलते इसका उपयोग करने में काफी परेशानी होती है, उसके बाद उन्होंने बिना ब्रश के इंतजार किए ही बाल्टी में पानी लेकर हाथों से ही टॉयलेट को रगड़ रगड़ कर साफ कर चमका दिया। इस काम में उन्होंने किसी की मदद नहीं ली और पूरी निष्ठा के साथ काम को अंजाम दे डाला। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए थे। सांसद ने स्वच्छ भारत का संदेश देते हुए लोगों को सफाई रखने की नसीहत भी दे डाली। बता दें इसी तरीके का उनका एक सफाई करने का वीडियो कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर पहले भी वायरल हो चुका है।